गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 क्लास 11। चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने इस जो चैप्टर के अंदर है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.1 को, वो कंप्लीट हो गई थी, और एक्सरसाइज 6.2 चल रही है। तो 6.2 के हमने क्या किया, अभी तक जो फर्स्ट पे जो एक्सरसाइज थी उसमें किया था वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेलिटी। अब फिर जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें टू वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेलिटी आ गई थी, तो हमने उसके दो क्वेश्चंस किए थे। तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो मैंने इसके दो क्वेश्चन करा दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 2x-3y > 6, 2x-3y > 6, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे हम, पहले पहले तो हम इससे x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले लेट करके लिखा, क्या लिखा, 2x-3y > 6 इज इक्वल टू 6, लेट करके लिख लिया। अब यहां से पुट x की वैल्यू क्या पुट की, 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आई, -2। फिर वापिस चेक कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, -2। अब y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 3, ये आ गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो यहां पे क्या है, x डैश ये है x, यहां क्या है y, और ये क्या है y डैश। y की वैल्यू क्या है, -2, तो -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो अब x की वैल्यू क्या है, 3, और y की वैल्यू क्या है, -2, तो दोनों क्या करेंगे हम, दोनों को हमने मिला दिया, तो ये क्या आ गई। बट मेन चीज क्या है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन। ये ओनली ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। मेन से जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, डॉटेड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो लाइन डॉटेड, ये चीज क्लियर होगी, डॉटेड। क्योंकि तो अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो लाइन क्या जाएगी, डार्क। अगर ये लाइन, अगर इनइक्वेलिटी ओनली लेस देन या ग्रेटर देन है तो इनइक्वेलिटी कौन सी होगी, हमारी जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन कौन सी जाएगी, डायरेक्शन पुट 2x-3y > 6, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 0 > 6, ये क्या है, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसकी डायरेक्शन किस साइड जाएगी, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में। ओरिजिन से अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा रीजन होगा। मैंने बताया था इस रीजन के अंदर ये लाइन इंक्लूड नहीं है, डॉटेड का मतलब क्लियर हो गया, डॉटेड का मतलब ये लाइन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 9th और 10th क्वेश्चन और करा देता हूँ इस एक्सरसाइज के, वो थोड़े से डिफरेंट है, और तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th वो देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए, y लेस देन 2, 9th नंबर क्वेश्चन है, y लेस देन 2 ये गिवन है, -2, y लेस देन -2, ये क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से हमें देखिए एक ही वेरिएबल है, और इसको किस पे रिप्रेजेंट करना, हमें टू डायमेंशन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, ग्राफ बनाना है। तो देखिए क्या कैसे होगा, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y डैश। ओके, अब क्या है, y की वैल्यू क्या है, -2, y की वैल्यू -1, -2 ये होगी, तो इसको क्या करेंगे हम,
अब यहां चेक कीजिए पहले तो आप इन इक्वेलिटी क्या है, ओनली लेस देन है, लेस देन है तो ये कैसी लाइन आएगी डॉटेड, ओके अब बात आती है इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जीरो लेस देन माइनस टू, तो माइनस टू ये फॉल्स है, क्यों यहां फॉल्स, क्योंकि माइनस टू से जीरो क्या होता है ग्रेटर, बट यहां पे क्या है लेस है, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी हमारी फॉल्स, तो फॉल्स है तो ये रिजल्ट फॉल्स है, इसका मतलब डायरेक्शन कहां जाएगी नीचे की साइड, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर स्टूडेंट, ये चीज क्लियर होगी है आपको। क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टेंथ टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टेंथ एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, फिर ग्राफ बनाया हमने, माइनस थ्री मीन्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये है जीरो, ओके एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ओके तो माइनस थ्री ये है पॉइंट, तो यहां से ये लाइन कैसी आएगी डॉटेड, ये लाइन आ गई, ओके तो ये माइनस थ्री आ गई, अब डायरेक्शन कौन सी साइड जाएगी, जीरो ग्रेटर देन माइनस थ्री, तो जीरो तो ग्रेटर होता है मीन्स ये क्या है ट्रू, ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन किस साइड चली जाएगी, इस साइड इसकी क्या आ जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये बन गया हमारा ग्राफ, क्लियर स्टूडेंट, आपको ये जो भी ग्राफ बनाना है ये पेंसिल से बनाना है नोटबुक के अंदर, स्टूडेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है इस ग्राफ को, नोटबुक के अंदर बना सकते हो या आप ग्राफ पेपर पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट, तो ये चीज क्लियर है, तो अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, अभी तक जो 10.6.2 है, जो 6.2 एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या किया है, टू वेरिएबल्स की लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, ओके एक इक्वेशन को, अगर दो इक्वेशन आ जाए या तीन इक्वेशन आ जाए या चार इक्वेशन आ जाए उनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर है, बिल्कुल फिर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन हम 6.2 में करके आए हैं, 6.2 में टू वेरिएबल्स की वन इक्वेशन थी, ओके लीनियर इक्वेशन, तो अब जो 6.3 है उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज कितने वेरिएबल की, टू वेरिएबल्स की, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, तो एक है तो एक लाइन होती तो एक ड्रॉ कर रहे हैं, दो है तो दो, तीन है तो तीन, फिर यहां पे क्या किया, यहां पे तो वहां पे जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें तीनों का, अगर तीन लाइंस हैं तीनों का जो कॉमन रीजन है ना उसको क्या करेंगे हम डार्क करेंगे, उस पोर्शन को हमें फाइंड करना है जो तीनों का, तीनों जहां पे रिप्रेजेंट होगी, तीनों की तीनों जहां पे मिलेंगी उस पोर्शन को, मीन्स उसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन, जो भी बाउंडेड होगा अगर वो तीनों की डायरेक्शन चेंज है कहीं पे भी नहीं मिल रही उसको बोलते अनबाउंडेड रीजन, दो चीजें होती है, रीजन मीन्स जिसको हमने टोटल जो भी पोर्शन है डार्क किया उसको रीजन बोलते हैं, तो बाउंडेड मीन्स जहां पे तीनों के तीनों बाउंड हो एक जगह पे मिल रही है उसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन, और जो बाउंड नहीं हो रही है बिल्कुल अनबाउंडेड है किसी का कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा है उसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन, क्लियर, तो ये चैप्टर फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये चैप्टर जो भी है ये क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर ट्वेल्थ है लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें इसका यूज है, तो इसमें से फुल यूज है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पहले एक 12th क्लास के अंदर, अब ये जो 12th क्लास में 5 मार्क्स का रह गया था, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क्स का आ जाता है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 देखिए क्या है,
6.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन 2। फर्स्ट क्वेश्चन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए हम जो इसका एक पार्ट था वो भी पिछली एक्सरसाइज में इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, और इसका अब की बार ऐसी कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, 2 इक्वेशंस हो जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, यहां ओरिजिन है, 0 0 ही बोल सकते हैं या 0। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3, और वाई की वैल्यू क्या है, 2, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है, 3। सिर्फ इसको एक बार भूल जाइए, x की वैल्यू क्या है, 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू मींस इनइक्वालिटी है, तो यहां से एक लाइन जाएगी जो डार्क होगी। क्लियर स्टूडेंट, ये डार्क क्यों हुई, क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब बात आई यहां, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यार अब इनकी क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को शो करेंगे। डायरेक्शन की साइड है फॉल्स, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉल्स, एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये भी क्या आ गई, फॉल्स। तो ये आपको पिछली एक्सरसाइज में मैं बता के आया हूं कि जो भी इक्वेशन हमारी उसमें एक्स या वाई जो भी है दोनों को 0 पुट कर देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो उसकी ओरिजिन के अपोजिट साइड में उसकी क्या चली जाएगी, डायरेक्शन चली जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, अपोजिट, ये आई, ये डायरेक्शन चली जाएगी, और इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी। तो अब हमें चेक करना है कि दोनों की दोनों डायरेक्शन कहां पे मिल रही है। तो ये हमारा जो रीजन आया, इस रीजन, ये हमारा क्या आएगा, कॉमन रीजन आएगा। इसको थोड़ा सा अलग से डार्क करेंगे, क्लियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा अलग से डार्क करेंगे, हमें पता चलना चाहिए। इसको बिल्कुल चाहे डार्क ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ना करें तो भी, ये तो हमें ये बताया है कि इसकी डायरेक्शन किस साइड जा रही है, इस लाइन की डायरेक्शन किस साइड है और इस लाइन की डायरेक्शन किस साइड है। तो दोनों का कॉमन क्या आया, ये दोनों का कॉमन आया, ये दोनों का कॉमन रीजन आ गया, ये ही हमें फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट, दोनों का, बट ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, 12th क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन। अब आप पूछोगे कि सर एक चीज और बताइए इसमें, अब ये तो अनबाउंडेड हो गया, बट बाउंडेड रीजन कौन सा होगा। बाउंडेड होता है जो चारों तरफ से पैक हो, मींस इसको अगर ये रीजन आता, दोनों लेस देन होते, वो भी और ये भी, दोनों लेस देन होते तो रीजन कौन सा आता, ये भी नीचे आता और ये भी साइड आती, तो ये दोनों का क्या आता, कॉमन रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, हम बाउंडेड रीजन। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी है कि अनबाउंडेड रीजन कौन सा है और बाउंडेड रीजन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको पहले क्या करेंगे, हम सिंपलीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो लेट करके लिखा पहले, लेट 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 6। अगर y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पुट लेट, पहले तो लेट किया 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, अब किया पुट x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 12,
और y इज इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या आई, 4। ओके क्लियर। अब इनको हम किस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे y की वैल्यू कितनी है, 12। 1 से 12 तक जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा ये ग्राफ, आप 10th क्लास में पढ़ के हैं, तो हम 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 0 2 4 6 8 10, यहां 2 4 6 8 10 12 ये आ गया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन है, इनइक्वालिटी जो भी है, तो उसको ड्रॉ करेंगे। पहले x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू है 3, ये 3, और y की वैल्यू कितनी है, 6, फर्स्ट लाइन। और लाइन कैसी आएगी, डार्क, क्यों, इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन भी कर लेते हैं, तो 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये क्या है, फॉल्स, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, ऊपर की साइड, बस इतना ड्रॉ कर लेते हैं, हमें पता है ओरिजिन के अपोजिट साइड में इसकी डायरेक्शन जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, दोनों का कॉमन है ना, जो भी बाउंडेड है या अनबाउंडेड है उसको डार्क करेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब अगली लाइन क्या है, x की वैल्यू क्या है, 4, और y की वैल्यू क्या है, 12। ये आ गई। अब क्या करें इसको, डायरेक्शन, डायरेक्शन, और ये लाइन कैसी आएगी, डार्क, क्यों, लेस देन इक्वल टू है। अब 0 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या है, कंडीशन 2। ओके 0 लेस होता है किससे, 12 से। अब इसकी डायरेक्शन तो ऊपर गई है इसकी, और इसकी डायरेक्शन कहां रही है, नीचे की साइड। अब देखो कि कौन सा पोर्शन है जिसमें ये दोनों के दोनों कॉमन है, देखिए ये डायरेक्शन कहां रही है, नीचे की साइड, और ये कहां जा रही है, ऊपर की साइड, तो ये हमारा जो दोनों ये रीजन है, ये हमारा क्या होगा, कॉमन रीजन आ जाएगा, क्लियर, इसको बोलेंगे हम बाउंडेड रीजन। देखिए एक मिनट, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y, ओके, तो जो क्वेश्चन है उसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 3x प्लस 4y था, तो 3x प्लस 4y के हिसाब से ये ग्राफ बनेगा, क्लियर, जो भी होगा इस साइड, जरूरी नहीं आपको होगे कि ये नहीं नहीं यहाँ से भी जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये इस साइड यहाँ भी आ सकता है, क्लियर, क्योंकि ये साइड इस साइड तक आ रही है, ये उस साइड जा रही है, तो यहां तक ये कॉमन रीजन आ जाएगा दोनों का, क्लियर स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा कॉमन रीजन। अगर यहाँ 4y, थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा आपका, चेंज होगा, जैसे पीछे क्वेश्चन मैंने वापस चेक किया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, तो उसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, वो आप कर लेंगे, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर, जैसे थोड़ा सा कोई चेंज देखता हूं मैं, चेंज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, आप कहेंगे कि सर ये तो इस बॉक्स में ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों ये इस साइड जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये इस साइड, जो जो दोनों का जो भी रीजन कॉमन होगा उसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, क्लियर स्टूडेंट ये चीज। बट ये बाउंडेड रीजन नहीं है, आप कहेंगे सर बाउंडेड क्यों नहीं है, बाउंडेड इसलिए नहीं है कि ये अनबाउंडेड है, ये रीजन कहीं पे भी कहां तक जा रहा है, आई डोंट नो, ओके, तो कहीं तक भी इसका पता नहीं है कि कहीं पे, अगर ये रीजन होता तो ये रीजन कौन सा होता, बाउंडेड रीजन होता,
ये रीजन कौन सा है? अनबाउंडेड रीजन। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। और सेकंड क्या है? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में ये दो चीज एक्स्ट्रा आ गई, इनका क्या रोल है ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पहले तो क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आई? x को 0 पुट किया दो, y को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 20। फिर वापिस चेक कर ले, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 15, 15 फोर 60। y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई? 20। क्लियर स्टूडेंट? आगे आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है, x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आई? 10, और y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई? 30। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। ये y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश और y डैश। अब इसको क्या करें, ये तो 5 ले लेते हैं, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हो गया। अब x की पहली इनइक्वालिटी पे आते हैं, फर्स्ट पे x क्या है? 20, और y क्या है? 15। x तो है 20 और y क्या है? 15, और लेस देन इक्वल टू, तो लाइन जो जाएगी वो कैसी जाएगी? डार्क। ओके, अब इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या है? 60 है, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 60, ये क्या है? ट्रू, ट्रू है, मींस ट्रू ओरिजिन की साइड डायरेक्शन आ जाएगी। बस इतना सा हल्का सा लगा लिया, इसकी डायरेक्शन किस साइड आ रही है? ट्रू है। ओके, नेक्स्ट x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y is equal to 0, तो 0 less than equal to 30, ये भी क्या है? True, true है। अब इसको पहले तो draw करते हैं, x की value क्या है? 30, और y की value क्या है? 10, ये आ गई। Clear student? अब ये बात होगी, अब इसकी direction भी कहाँ है? Origin की side है, ये आगे ओरिजिन की साइड डायरेक्शन। अब हमें दोनों का कॉमन रीजन निकालना है। देखिए, ये भी नीचे आ रही है और ये भी नीचे आ रही है, इसका मतलब ये रीजन तो है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि ये अगर ऊपर जाती और ये नीचे आती तो ये डायरेक्शन। अब आप कहेंगे सर दो चीजें ये और बच गई, इनका क्या रोल है? इनका रोल है एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मीन्स एक्स ग्रेटर देन जीरो है। एक्स पॉजिटिव कौन सी साइड में? इस साइड, और y ग्रेटर देन 0 इस साइड। कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत बताया होगा ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। जो सेकंड होता है उसमें x नेगेटिव होता है, y क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है? y नेगेटिव होता है, x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर रीजन नहीं जा सकता। क्लियर? तो अब ये इस साइड आ रही है और ये भी साइड आ रही है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो दोनों का ये कॉमन रीजन आया। अब बात ये है कि जो जो भी हमारा रीजन होगा, जो भी रीजन होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा इससे बाहर, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इससे बाहर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, अगर ये चीज नहीं होती तो ये कंप्लीट ऐसे आता, पूरा नीचे तक सारा का सारा रीजन होता ये, क्योंकि दोनों का कॉमन। बट यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा कॉमन, इसको बोलेंगे हम कौन सा, बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन, तो ये स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी, तो कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेंगे, फोन करके पूछ सकते हैं या कैसे भी, आपके पास नंबर होगा मेरा, कोई भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर में तो जो नेक्स्ट वीडियो उसमें जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।